हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। एक ऐसा चैप्टर जो अगर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जाएं, आप राजस्थान कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस का, आरएएस का, एसआई का कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। चाहे आप पटवार का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग होगी, आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का एक प्रश्न डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। निशा वर्मा जी, गुड इवनिंग। सोहन जी, नमस्कार। वीरपाल सिद्धू, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, नमस्कार। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, और इसकी ये पहली ही क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच पा रही है? आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच पा रही है? कहीं आपको ऑडियो और वीडियो में, अगर आपको ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो बता दीजिएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अरविंद जी। क्लियर है आपके पास आवाज़ अच्छे से पहुंच पा रही है मेरी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएं और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का फायदा उठा पाएं। सोहन जी, गुड इवनिंग। अरविंद, ठीक है जी, आवाज़ पहुंच रही है आपके पास। भावेश मिड्डा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रेणु सुथार, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। चलिए, आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच पा रही है तो ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को कहें तो, राम राम जी, हरमन कह रहे हैं, हरमन हैरी जी, राम राम, स्वागत है आपका। तो ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इस चैप्टर का एक इंग्लिश में नाम है। अगर हिंदी में कहें, अनामिका शर्मा, गुड इवनिंग जी, अगर हिंदी में कहें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को, तो कहा जाता है कूट लेखन, कूट लेखन। कूट भाषा भी कहा जाता है या सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है, सांकेतिक भाषा भी इसको कहा जाता है। अलग अलग किताबों में आपको इसके नाम मिल सकते हैं, कुछ किताबें कोडिंग डिकोडिंग लिखकर इसको दे सकती हैं, तो कूट लेखन भी लिखा जा सकता है, कूट भाषा भी लिखा जा सकता है, और सांकेतिक भाषा भी इसे कहा जा सकता है। नमस्कार जी, सैन साहब नमस्कार। तो ध्यान दीजिएगा भीम जी, हाँ जी। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कूट लेखन, कूट भाषा, सांकेतिक भाषा कहा जाता है, ये चैप्टर समझने के लिए हमें दो बातों की सबसे पहले आवश्यकता है। दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर करने के लिए, जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान भी है ये चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। उदयपुर से प्रणाम सर। मीना जी नमस्कार, जी नमस्कार। तो ये चैप्टर सीखने के लिए जिन दो बातों का हमें पता होना जरूरी है, उसमें नंबर वन जो है वो तो है, हमें पता है कि ए से लेकर और जेड तक, ए से लेकर जेड तक हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट, 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक। ए से जेड तक के कुल 26 अक्षर होते हैं। अनु वर्मा जी, राम राम। ए से जेड तक कुल 26 अक्षर जो होते हैं, हमें ये चैप्टर सीखने के लिए इन 26 अक्षरों की सबसे पहले नंबरिंग याद करनी है। सबसे पहले हमें इन 26 अक्षरों की नंबरिंग याद करनी है। नंबरिंग से मतलब ये होगा कि अगर कहीं आपको आई लिखा हुआ दिखाई दिया तो आई आती ही आपके दिमाग में आ जाए नो, कि अल्फाबेटिकली जो आई है ये नो नंबर का अक्षर है। गुलाब सिंह जी नमस्कार। काजल शर्मा, गुड इवनिंग जी। आई जो है नो नंबर का अक्षर है। आकाशदीप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। तो ध्यान दीजिएगा, ए से जेड तक के अक्षरों में सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम इन अक्षरों की नंबरिंग याद रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे कहा आई, तो आई के बारे में हमें पता है कि आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है नो नंबर पर। अगर कहीं लिखा हुआ आया आर, आर आते हमारे दिमाग में आ जाए 18, कि आर जो है 18 नंबर का अक्षर है। यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, यहीं से मैं आपको बताऊंगा कैसे इन अक्षरों को याद रखना है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करते करते आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। दूसरी बात तो इस चैप्टर में जो हमें समझनी है, पहली बात तो ये कि ए से जेड तक के जो 26 अक्षर हैं, इनमें से कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है।
दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि जो हमारे पास ये 26 अक्षर होते हैं, जो हमारे पास ये 26 अक्षर होते हैं, ये 26 अक्षर एक ग्रुप बनाते हैं, ये 26 अक्षर ग्रुप बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर से मतलब क्या है, हमारे पास जो 26 अक्षर होंगे इसमें अगर मैं सबसे पहले और सबसे अंतिम अक्षर की बात करता हूं, अगर इसमें सबसे पहले और सबसे अंतिम अक्षर की बात करता हूं तो फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज ए एंड लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज जेड। तो इस तरह से ए का जेड के साथ एक ग्रुप, एक समूह, एक पेयर बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से सेकेंड लेटर हमें पता है क्या होता है, बी, और लास्ट सेकेंड क्या होता है, वाई। तो बी का वाई के साथ एक ग्रुप बन जाता है। इस तरह से ये ग्रुप बनते जाएंगे। हमारे पास क्या होगा, ए का ग्रुप जेड के साथ, बी का ग्रुप वाई के साथ, और सी का ग्रुप एक्स के साथ। हमारे पास कुल 26 अक्षर होते हैं, और अगर इन 26 अक्षरों से मैं हर दो दो अक्षरों का एक ग्रुप बनाता हूं, अगर इन 26 अक्षरों में मैं हर दो दो अक्षरों का एक ग्रुप बनाता हूं तो मेरे पास कुल 13 ग्रुप बन जाएंगे। कुल मेरे पास 26 अक्षर दो दो अक्षरों का ग्रुप बनाना है तो कुल मेरे पास कितने, 13 ग्रुप या 13 पेयर बन जाएंगे। यही दो बातें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ए से लेकर और जेड तक के अक्षरों को किस तरह से याद रखा जाए और जो ये 13 ग्रुप हैं इनको किस तरह से याद रखा जाए। इस प्रश्न जब भी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक कंडीशन की जरूरत पड़ने वाली है। ब्रिजमोहन वर्मा जी, ई और वी, बिल्कुल आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो जल्दी से जल्दी प्लीज आप इसके लिंक को शेयर कर दो भी कि और ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए हमारे साथ। फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि ए से जेड तक के इन अक्षरों के ग्रुप को कैसे याद रखना है और ग्रुप के साथ साथ इस ए से जेड तक के इन 26 अक्षरों को कैसे याद रखना है। गणेश राठौड़ जी, गुड इवनिंग सर। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला काम ए से जेड तक के इन 26 अक्षरों की नंबरिंग की ही बात हो रही है। ए से जेड तक के 26 अक्षर और ये 26 अक्षर कैसे याद रखे जा सकते हैं, यहीं से हमारा चैप्टर ये प्रारंभ होने जा रहा है। देखिएगा, अगर मैं ए, बी, सी और डी की बात करता हूं और इसी तरह से मैं लास्ट के तीन अक्षर एक्स, वाई और जेड की बात करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं स्टार्टिंग के चार अक्षर ए, बी, सी और डी की बात करता हूं और लास्ट के तीन अक्षर एक्स, वाई और जेड की बात करता हूं, प्रियंका जी गुड इवनिंग मैम, तो ध्यान दीजिएगा क्या होने जा रहा है यहां पर। जो स्टार्टिंग के चार अक्षर हैं इनको हमें कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बी कितने नंबर पर आता है, आप गिनकर नहीं बताएंगे, ए एक पर, बी दो पर। ये चार अक्षर, स्टार्टिंग के चार अक्षर ऐसे हैं जो हमेशा हमारे माइंड पर रहते हैं कि ए एक पर आता है, बी दो पर आता है, सी तीन पर आता है और डी चार पर आता है। शालिनी शर्मा जी गुड इवनिंग मैम। तो ए, बी, सी और डी, इन चार अक्षरों की मैं डायरेक्ट नंबरिंग दे रहा हूं क्योंकि ये चार अक्षर ऐसे अक्षर हैं जो हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, जो आसानी से अगर कोई भी पूछे आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग के चार अक्षरों की बात की, जिस तरह से हमने चार अक्षरों की बात की है ए, बी, सी और डी की, बिल्कुल उसी तरह से एक्स, वाई और जेड। देखो, हमें अच्छे से पता है कि अगर कुल अक्षरों की बात की जाए, अगर हमें कुल अक्षरों की बात की जाए तो 26 अक्षर हैं कुल, और जेड जो है हमारा अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर है, लास्ट का अक्षर है, तो अगर जेड की बात करें तो 26 नंबर पर आएगा। बिल्कुल आपको इन अक्षरों को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह के शुरू के चार अक्षर ए, बी, सी और डी को याद रखा जा सकता है, बिल्कुल सेम एक्स, वाई, जेड, 24, 25 और 26, इन अक्षरों को भी आसानी से याद रखा जा सकता है। ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, ये चार अक्षर जो हैं ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3, 4 आसानी से याद रहते हैं हमें। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से लास्ट के तीन एक्स, वाई और जेड, 24, 25 और 26, ये भी आसानी से याद रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनके बीच के अक्षरों की बात करता हूं, अगर मैं ई से लेकर और डब्ल्यू तक के अक्षरों की बात करता हूं तो इनको कैसे याद रखा जा सकता है, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखना, बहुत ध्यान से समझना कि क्या होने जा रहा है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, यहां लिख रहा हूं मैं, पी, क्यू,
R S T U V W और X Y Z यहां हमारे आ चुके हैं। तो अब देखिए इनको मैं किस तरह से नंबरिंग को याद करता हूं। इस नंबरिंग को याद रखने के लिए एक स्पेलिंग बनाई गई है जिसको हम कहते हैं इजोटी। सुनी होगी आप लोगों ने ई जे ओ टी और वाई, इजोटी। इन अक्षरों के नंबर याद रखने के लिए एक स्पेलिंग बनाई गई है ई जे ओ टी और वाई। बिल्कुल एक स्टूडेंट का कमेंट आया है 5, 10, 15, 20 और 25, बिल्कुल यही किया जाता है। इजोटी जो एक स्पेलिंग है, अल्फाबेटिकली इजोटी जो एक स्पेलिंग है, इसमें हमें कुल 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं ई जे ओ टी और वाई। इन अक्षरों की नंबरिंग याद रखने के लिए एक स्पेलिंग बनाई गई है इजोटी, ई जे ओ टी और वाई। और इन 5 अक्षरों पर अगर मैं 5 का पहाड़ा लिख देता हूं, 5, 10, 15, 20 और 25, अगर मैं इन 5 अक्षरों पर 5 का पहाड़ा लिख देता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 5, 10, 15, 20 और 25। इसका सिंपल सा मतलब है कि अल्फाबेटिकली अगर ई की बात करें तो ई इज 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ई जे, जे हमारा कितने नंबर का अक्षर है 10, ओ कितने नंबर का अक्षर है 15, पी है 20 और वाई हमारे पास 25। ई जे ओ टी और वाई इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। देखो स्टार्टिंग के 4 अक्षर ए बी सी और डी को मैं डायरेक्ट याद रख सकता हूं, 1, 2, 3 और 4, इसको हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से लास्ट के 3 अक्षर एक्स वाई जेड 24, 25 और 26। हमने एक स्पेलिंग याद की इजोटी, ई जे ओ टी और वाई इजोटी, ई 5, J 10, O 15, T 20 और Y को 25 पर आसानी से याद रखा जा सकता है। अब मैं ध्यान देता हूं कि बाकी के जो अक्षर हैं, जो अक्षर बाकी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे मैंने नंबरिंग नहीं लिखी है, उनको कैसे याद रखा जाएगा। तो यहां आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जो बातें आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ उनकी अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा, उसकी अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा। आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है और उसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एफ पी की बात करूं, ई के बाद एफ आया, अगर मैं एफ की बात करता हूं, ध्यान देना यहां पर मैं एफ लिख रहा हूं, अगर मैं एफ की बात करता हूं तो देखिएगा इस एफ को अगर यहां से हल्का सा ज्वाइन कर दिया जाए, एफ को हल्का सा यहां से ज्वाइन कर दिया जाए, एफ लिखा हुआ है, एफ को यहां से हल्का सा ज्वाइन कर दिया जाए या मिला दिया जाए, एफ को हल्का सा ज्वाइन कर दिया जाए या मिला दिया जाए, तो एफ की आकृति किसके जैसी दिखाई दे रही है हमें, एफ की आकृति हमें दिखाई दे रही है 6 के जैसी, एफ की आकृति किसके जैसी 6 के जैसी दिखाई दे रही है हमें। तो मैं एफ को 6 नंबर पर आसानी से याद रख सकता हूं। ये स्टूडेंट कह रहे हैं भी नेटवर्क प्रॉब्लम क्या हुआ जी, आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या वीडियो क्वालिटी में या ऑडियो में कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेक कीजिएगा एक बार। F, F की आकृति किसके जैसी है 6 के जैसी है, F की आकृति 6 के जैसी है, तो F कितने नंबर पर 6 नंबर पर। F के बाद आया G, ध्यान देना कुछ रट्टाना नहीं है हमें, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, ये बोर्ड पे मैंने G लिखा है और ये बोर्ड पे जो मैंने G लिखा है, G की आप ये वाली आकृति, नीचे वाला ये पार्ट देखिए कैसा है जी का, जी की ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है 7 के जैसी, तो जी को मैं कितने नंबर पर याद रख सकता हूं 7 नंबर पर याद रख सकता हूं। F, F किसके जैसा दिखाई दे रहा है 6 के जैसा, F दिखाई दे रहा है 6 के जैसा और G की आकृति 7 के जैसी है, तो G को मैं 7 नंबर पे याद रख सकता हूं आसानी से। ध्यान दीजिए अब आया मेरे पास H। आपने डिजिटल घड़ियां या कैलकुलेटर देखा होगा, डिजिटल घड़ियां देखी होंगी जिसमें सुइयां नहीं सिर्फ नंबरिंग चलती रहती है, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में या डिजिटल घड़ियों में 8 कुछ ऐसा दिखाई देता है, राउंड के शेप में 8 नहीं होता है, 8 कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अगर मैं इसको देखता हूं, इस H को मैं ऊपर से और नीचे से मिला देता हूं, तो क्या इसकी आकृति 8 के जैसी दिखाई दे रही है, तो H को मैं कितने नंबर पर याद सकता हूं, H को मैं 8 नंबर पर याद रख सकता हूं। F, F की आकृति थी 6 के जैसी, जब मैंने G लिखा तो G की आकृति 7 के जैसी बन रही है और H हमारा किसके जैसा है 8 के जैसा है, तो H हम याद रखेंगे 8 नंबर पर। फिर आया मैं आई पे कि आई को कैसे याद रखा जा सकता है, तो ध्यान देना हम इंग्लिश में एक वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो हम बहुत बार कहते हैं आई नो, तो आई को आप नो नंबर पर याद रख लीजिए, आई को आप कितने नंबर पर याद रख लीजिए नो नंबर पर। एफ जो था किसके जैसा था हमारा जी के जैसा, सॉरी एफ जो था वो 6 के जैसा था, जी हमारा 7 के जैसा था, एच हमारा 8 के जैसा और आई नो हम बहुत बार इस लैंग्वेज को यूज करते हैं आई नो, तो आई कितने नंबर पर नो नंबर पर याद रख सकता हूं मैं। या आपने आई को कभी ऐसे लिखा होगा, हम आई को ऐसे भी लिखा करते थे,
याद होगा आपको, हम आई को ऐसे भी लिखा करते थे, तो आई की आकृति किसके जैसी है? नौ की जैसी दिखाई दे रही है, तो मैं आई को कितने नंबर पर याद रख सकता हूं? नौ नंबर पर याद रख सकता हूं। क्लियर हो गया होगा ये। जे हमारे पास इजोटी में दिखाई दे रहा है कितने नंबर पर? दस नंबर पर। जे हमारे को कितने नंबर पर? दस नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो जे कितने नंबर पर कहेंगे? दस नंबर पर। अब आया मेरे पास के और एल, एम और एन। एक बार ध्यान रखना, इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट अपने साथ एक ग्रुप लेकर आते हैं। ग्रुप लेकर आने का मतलब है कि हमें के याद होगा तो एल आसानी से याद रह जाएगा, और अगर हमें एम याद होगा, अगर हमें एम याद होगा तो एन आसानी से याद रह जाएगा। स्टूडेंट कह रहे कि सर हाई लेवल क्वेश्चन करवाइएगा। सर क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने दीजिएगा, एकदम से हाई लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जब चैप्टर खत्म होगा तो आपके सामने कई हाई लेवल के अच्छे खासे प्रश्न आ चुके होंगे। बिल्कुल करवाए जाएंगे, बिल्कुल करवाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर के की बात करें, के को याद रखने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं। के को याद रखने के जो दो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। नंबर वन, एक तो ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने क्रिकेट, मैंने एक वर्ड लिखा क्रिकेट। ध्यान देना, क्रिकेट का जब प्रोनंसिएशन किया जाता है, मैं स्पेलिंग की बात कहीं नहीं कर रहा हूं, क्लियर कर देता हूं, मैं क्रिकेट की स्पेलिंग की बात कहीं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर क्रिकेट के प्रोनंसिएशन की बात की जाए क्रिकेट क, तो के का साउंड हमारे सामने आता है। क्रिकेट अगर बोलते हैं तो साउंड के का आता है। अगर क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, तो कैसे क्रिकेट? क्रिकेट में कितने प्लेयर? 11 प्लेयर कह सकते हैं हम। क्रिकेट टीम में कितने? 11। तो कैसे क्रिकेट? क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11। एक तो हम ये कह सकते हैं, या आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का नाम सुना होगा, इसमें एक टीम है किंग्स 11 पंजाब के नाम से। कैसे किंग्स? किंग्स कितने पर? 11 पर। कैसे किंग्स? किंग्स कितने पर? 11 पर। तो कैसे किंग्स 11 के 11 पर याद रख सकते हैं। या इसको याद रखने का एक और तरीका, इसको याद रखने का एक और तरीका यूं कह लीजिए कि इसको याद रखने का एक देसी जुगाड़, कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे साथ कुछ भी खतरनाक किस्म के मजे लेने वाले बच्चे भी हुआ करते थे। उनका काम ही क्लास में मजे लेना होता था। वो क्या कहा करते थे, क्या पूछा करते थे? अंग्रेजी को 11 अक्षर के हुए, ऐसी बातें किया करते थे। अंग्रेजी को 11 अक्षर के हुए, तो अंग्रेजी को 11 अक्षर के हुए, कैसे मर्जी याद रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब याद रख लीजिए, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। कैसे क्रिकेट? क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, आप ये याद रख लीजिए। या जो आपको बताया गया है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे क्या होता था अभी, कि अंग्रेजी को 11 अक्षर के। अगर के याद है, अगर के याद है तो एल आसानी से याद रह जाएगा। अगर के याद है तो एल आसानी से याद रह जाएगा। के एल, एल कितने पर? 12। के जस्ट बाद दिमाग में किसकी इमेज बनेगी? एल की। के एल, तो के जस्ट बाद एल। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल सुनीता शर्मा जी, के हो है। के कितने पर? 11 नंबर पर। के याद है तो एल आसानी से याद रहेगा, 12 नंबर। अब आइए मैं बात करता हूं एम की और एन की। एम की और एन की, इनको कैसे याद रखूं? तो एम के लिए भी कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। ध्यान दीजिए एम के बारे में जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, कि ये जो मैंने एम लिखा है, ये जो मैंने एम लिखा, मान लीजिए मैंने इस एम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, मैंने इस M को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। घड़ी चलने की दिशा यही होती है, अभी इस तरह से चलती रहती है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती रहती है। इस M को भी अगर मैं घुमा देता हूँ तो M घूमने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। M को भी अगर मैं घुमा देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो M कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3 के जैसा। और A से लेकर Z तक इन 26 लेटर्स में, इन 26 अक्षरों में सिर्फ दो अक्षर होते हैं जो 3 के जैसे दिखाई देते हैं, M और W। M और W इन तीनों दोनों क्या करती है? 3 के जैसी होती है भी। M की और W की, M की और W की दोनों क्या करती है? किसके जैसी? 3 के जैसी होती है। तो एक 13 पर और एक आ जाएगा 23 पे। जो अक्षर पहले आता है वो 13 पे और जो बाद में आता है वो 23 पे। ये भी आसानी से याद रख सकता हूं भी मैं। हमें अच्छे से पता है M और W दो अक्षर किसके जैसे दिखाई देते हैं? 3 के जैसे। M और W दोनों अक्षर 3 के जैसे दिखाई देते, तो M 13 और W 23 पर, तो M 13 पर और W 23 पर याद रखा जा सकता है। अगर M याद है तो N आसानी से याद रहेगा 14 पे। अगर M याद है तो N आसानी से याद रहेगा नंबर 14 पे। किंग जोंग जी आए हैं अभी, कहां से बोले आप? नॉर्थ कोरिया से। नमस्कार जी, किम जोंग जी, खतरनाक नाम है यार आपका। तो ध्यान दीजिएगा, अगर M याद है तो N आसानी से याद रखा जा सकता है। कितने नंबर पर? 14 नंबर पर।
या एक काम और हम कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहां पर जैसे हिंदी के दो वर्ड लिखे जो बहुत बार एक साथ आते हैं, मेरा तेरा, मेरा तेरा, बहुत बार हमें एक साथ दिखाई देते हैं मेरा और तेरा। तो मेरा जो वर्ड है ये एम से स्टार्ट होगा और ये तेरा नंबर पे आएगा, कैसे मर्जी याद रख लो भी, मेरा तेरा, एम से मेरा कितने पर, तेरह पर, मेरा तेरा, एम कितने पर आ जाएगा, तेरह नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से इन अक्षरों को याद रख सकते हैं। एन के बाद हमारे पास आ जाता है ओ, ओ इजोटी में कवर हो रहा है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। ध्यान दीजिए एक बार मैं रिवाइज करता हूं इसको, देखिए किस तरह से है, ए से डी तक आसानी से याद रख सकते हैं हम। अजहर अशरवी, हेलो सर, हेलो। ई इजोटी में था 5 नंबर पर। एफ को जब मैंने मिला दिया था तो एफ हमारा 6 के जैसा दिखाई दिया था, और जी की जो ये आकृति थी ये 7 के जैसी थी, तो जी को हमने 7 नंबर पर याद रखा था। एच जब हमने लिखा था तो एच को यहां से यहां से ज्वाइन करने पर एच की आकृति कुछ 8 के जैसी दिखाई दे रही थी, तो एच को हमने कितने पर याद रखा था, 8 पर। आई नो बताया था, आई नो, तो आई नो नंबर पे याद रखा जा सकता है। और जे इजोटी में था, जे किसे कहा था भाई, जे इजोटी में था तो जे को 10 नंबर पे याद रखा जा सकता है। के से हमने क्रिकेट याद किया था, या आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, या इसको वो जो आपको बताया गया था कि अंग्रेजी को 11वां अक्षर के हुए, कैसे मर्जी याद रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। के याद है तो एल याद रहेगा 12, एम 3 के जैसा है 13, एम और डब्ल्यू दोनों 3 के जैसे होते हैं, एम और डब्ल्यू दोनों 3 के जैसे होते हैं, तो एम 13 पर डब्ल्यू 23 पर आएगा। एम याद है तो एन याद रहेगा 14 पर, और ओ हमारे पास इजोटी में है 15 नंबर पर। ओ हमारे पास कितने पर है, 15 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा करीना कपूर, राम राम जी, राम राम करीना जी। तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर और एफ, अब हमारे पास ये 4 अक्षर बाकी हैं, P, Q, R और S, ये जो 4 अक्षर बाकी हैं, अब हम इनकी कहानी करते हैं कि इनको कैसे याद रख सकता हूं मैं। P, Q, R और S, ये 4 अक्षर कैसे याद रखूं, ध्यान देना इन 4 अक्षरों के बारे में जो बता रहा हूं मैं आपको। राजेश गुदारा, शानदार क्लास गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुदारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस, ये 4 अक्षर अब हमें याद करने के, कैसे याद रखा जा सकता है। देखिएगा पी क्यू आर और एस, पी से आप याद रख लीजिएगा पेप्सी, पी, पी से आप याद रख लीजिए पेप्सी। देखिए 4 अक्षर हैं, चारों अभी याद रह जाएंगे, ये थोड़े से ऐसे अक्षर हैं ना तो स्टार्टिंग के हैं ना ही बिल्कुल अंत के हैं, कहीं बीच कैसे अक्षर हैं, कैसे याद रखूं, ध्यान दीजिएगा पी, पी से आप याद रख लीजिए पेप्सी, पेप्सी कितने की, अभी 16 रुपए की। पी, पी से याद रख लीजिएगा पेप्सी, पेप्सी कितने की है, 16 रुपए की। क्यू से क्वीन 17 साल की है, आर से राजा 18 साल का है, और उनका सन 19 साल का है। बस ध्यान रखना भी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। पी, पी से पेप्सी कितने की है, पी से पेप्सी 16 रुपए की है, क्यू से क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का, और उनका सन 19 साल का है। आर से राजा आते ही दिमाग में क्या आएगा भी, कि राजा कितने का है, राजा कितने का है, राजा 18 का है, क्वीन 17 की, और उनका सन 19 साल का है। याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप कैसे ट्रिक बना रहे हैं, हमें मतलब है, हमें मतलब सिर्फ इससे है कि किस तरह से हम इसको याद रख सकें। ध्यान दीजिएगा प्लीज, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नाइस क्लास पमार बॉय। देखिएगा ध्यान दीजिए, तो P, Q, R और S की बात हो रही है, P से पेप्सी, पेप्सी कितने की, 16 रुपए की, Q से क्वीन 17 साल की, R से राजा 18 और उनका सन 19 साल का। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब एक ही अक्षर बाकी बचा है हमारे पास, T, कौन सा अक्षर बाकी बचा, T, शायद बोर्ड पर लिखा नहीं है मैंने, S के बाद ये रहा, इस तरफ है T और U, T, T20 क्रिकेट सुना है आपने, T20 क्रिकेट सुना होगा आपने, क्या कह रहे हैं ये, एक बार दोबारा सर मैं रिपीट कर दूंगा मैम, कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़िएगा फिर मैं रिपीट करता हूं इस सारे को। T20 सुना होगा आपने, T20 क्रिकेट, तो T कितने पर है, 20 पर, T कितने पर दिखाई दे रहा है, 20 पर, या T हमारे पास इजोटी में भी कवर हो सकता है, T इजोटी में भी कवर हो सकता है कि T कितने पर था, 20 पर। अब बचा हमारे पास U और V, दो अक्षर बचे हमारे पास U और V। देखिए U, U से आप एक वर्ड याद कर लो, युवा, यू से एक वर्ड याद कर लो, युवा। जब आप युवा बोलते हैं तो साउंड यू का होता है, जब आप युवा बोलते हैं तो साउंड यू का होता है, यू से युवा, युवा होता है भाई 21 साल का।
युवा कितने साल का? 21 साल का। अगर यू याद है तो फिर वी भी तो आसानी से याद रखा जा सकता है, कितने पर? 22 पर। टी से 20, टी 20 क्रिकेट, टी से 20 अभी टी 20 क्रिकेट, यू से युवा 21 साल का, अगर यू याद है तो वी याद रहेगा, 22 पर। इस तरह से मैं ए से जेड तक के इन 26 के 26 अक्षरों को याद रख सकता हूं, कहीं आपको कोई भी रटा मारने की जरूरत नहीं है। यशवंत कुमार मीणा जी, टी 20 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नवी, यू युवा 21 ईयर, बिल्कुल परफेक्ट है जी। सुखजिंदर सिंह जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो ध्यान दीजिए, ए से जेड तक इन अक्षरों को किस तरह से मैं याद रख सकता हूं, एक बार लास्ट बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि किस तरह से याद रखेंगे हम। तो देखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं ए से लेकर और डी तक की, ए से लेकर और डी तक के इन अक्षरों की बात हो रही है। ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार, शुरू के चार अक्षरों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं। मंजीत कौर जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ई हमारे पास इजोटी में आ रहा था, ई को कितने नंबर पर याद रखा जा सकता है? ई को हम याद रख सकते हैं 5 नंबर पर। एफ जब मैंने लिखा था तो कहा था कि एफ को अगर आप यहां से मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो एफ कुछ 6 के जैसा दिखाई दे रहा है। एफ किसके जैसा दिखाई दे रहा है? 6 के जैसा। तो एफ आ जाएगा हमारे 6 नंबर पर। और जब हमने लिखा था जी, तो जी की जो ये वाली आकृति है, जी की जो ये वाली आकृति है, जी किसके जैसा था? 7 के जैसा, इसलिए जी को हमने याद किया था 7 नंबर पर। एच, जब आप H को यहां से और यहां से ज्वाइन कर देते हैं तो H 8 के जैसा बन जाता है ना। अगर 8 के जैसा बन जाता है H, तो H कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। आई नो, आई नो, तो आई कितने नंबर पर आ जाएगा? 9 पर, क्योंकि आई नो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आई नो। जे इजोटी में है, 10 नंबर पर। के, कैसे क्रिकेट याद किया था या आईपीएल वाली टीम याद की थी हमने, ठीक है, तो के 11 पर। अगर के याद है तो एल आसानी से याद रहेगा, के एल, अगर K याद है तो L आसानी से याद रहेगा, कितने पर? 20 पर। सॉरी, K याद रहेगा हमारे पास, K अगर 11 पे है तो L कितने पर याद रहेगा? 12 पर। अब आया M, M, M और W के बारे में मैंने आपको ये बताया था, M और W के बारे में आपको ये बताया था कि M और W दोनों 3 के जैसे हैं, M और W दोनों 3 के जैसे हैं, तो M 13 पर और W कितने पर आ जाएगा? 23 पे आ जाएगा। नवी जी कह रहे हैं कि ट्रिक जोरगी है, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा जो जोर का होएगा, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है भाई। कोडिंग डिकोडिंग जब आपका कंप्लीट होगा, जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग का अगर कभी भी एग्जाम में आपको प्रश्न दिखाई दे जाए, मेरी गारंटी है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आप जुड़े रहिएगा क्लास के साथ, जितने भी चैप्टर आपको यूट्यूब पर लाइव करवाए जा रहे हैं जुड़े रहिएगा, रीजनिंग में कुछ गलत नहीं होने देंगे आपका। तो ध्यान दीजिएगा, M 3 के जैसा 13 पर और W भी 3 के जैसा 23 पर। अगर M 13 पर, M के बाद N आसानी से याद रखा जा सकता है, कितने पर? 14 नंबर पर। O, O इजोटी में है और O कितने नंबर पर है हमारा? 15 नंबर पर। फिर हमने बात की थी P, Q, R और S की, P, Q, R और S की। P, P से अपने क्या याद किया था? P से पेप्सी, कितने की? 16। Q से क्वीन, 17 साल की। R से राजा, 18 का और उनका सन 19 साल का। टी 20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट, तो T20 पे याद हो सकता है। यू, यू से युवा, यू से था युवा, युवा कितने साल का? 21 का। यू याद है तो वी आसानी से याद रहेगा 22 नंबर पे। तो कुछ इस तरह से मैं इन 26 के 26 अक्षरों की नंबरिंग को याद रख सकता हूं। और फिर लास्ट के 3 अक्षर आए थे एक्स, वाई और जेड, आपको कहा था इनको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं भी, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26 पर। तो ये सबसे पहली बात जो इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें पता होनी जरूरी थी। हमने कहा था, स्टार्टिंग में बात की थी कि ये चैप्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, नंबर 1 ए से जेड तक इन 26 अक्षरों की नंबरिंग, एंड हमने बताया था आपको कि इसमें हर दो दो अक्षरों का एक ग्रुप भी बनता है, दो दो अक्षरों का एक ग्रुप भी तो बनता है, तो इस ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, जैसे कि आपको बताया था कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर इज ए एंड लास्ट लेटर इज जेड, तो ए का जेड के साथ एक ग्रुप होता है, ए का जेड के साथ एक ग्रुप होता है। तो ये 13 ग्रुप जो है इनको याद कैसे रखा जाए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हमें अच्छे से पता है कि कुल अक्षर कितने होते हैं भी? 26। और अगर M तक की बात करूं तो M 13वां अक्षर होता है, तो M तक के जो ये हैं, M तक के जो अक्षर हैं यही ग्रुप बनाते हैं। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं N, माफ कीजिएगा मिरर इमेज बना दी इसकी हमने, N O P
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब कर रहे हैं स्टार्ट कि इन अक्षरों की मैं नंबरिंग को याद कैसे रखूं। इस ए से जेड के जो 26 अक्षर हैं, इन 26 अक्षरों के ग्रुप को मैं कैसे याद रखूं, तो ध्यान देना, ए टू एम फर्स्ट हाफ, एन टू जेड सेकंड हाफ। अभी पारिक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ए टू एम इज द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड एन टू जेड इज द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन सर ये यहां पर काम का नहीं है, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये जब आपको एक चैप्टर करवाया जाएगा अल्फाबेट टेस्ट वर्ड वाला परीक्षण, तब वहां काम आएगा ये कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड हाफ क्या होता है, ये उसका कंसेप्ट है, बताया जाएगा उसके बारे में भी। तो ए से जेड तक जो हमारे अक्षर हैं, अब इनको मैं याद कैसे रखूं, इनकी ग्रुप को कैसे याद रखा जा सकता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा क्या बातें आपको बताई जा रही हैं। ए का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है जेड के साथ। देखो हम बहुत बार कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं ए टू जेड, कॉमन लैंग्वेज में बहुत बार हम क्या यूज करते हैं ए टू जेड। तो ए का जेड के साथ डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया अजहर, अजहर ए जेड, स्टार्टिंग दो अक्षर क्या आ जाएंगे अभी ए जेड। लेकिन सबसे आसान क्या है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेली रूटीन में बहुत बार वर्ड यूज करते हैं ए टू जेड, तो ए का ग्रुप किसके साथ आ जाएगा हमारा, जेड के साथ आ जाएगा। तो ए टू जेड, ए का ग्रुप किसके साथ, जेड के साथ आ जाएगा। ए का ग्रुप किसके साथ, जेड के साथ। फिर आया बी वाई, बी का ग्रुप वाई के साथ। एक कंडीशन तो यह है कि मैं बॉय याद रख लूं, बी ओ वाई बॉय, साउंड जब बोलेंगे तो बी और वाई का आएगा बॉय, बी ओ वाई बॉय याद रख लीजिए, या बाय बाय, बाय बाय बी और वाई। तो बी का ग्रुप किसके साथ, वाई के साथ। बी का ग्रुप किसके साथ, वाई के साथ। ए का ग्रुप जेड के साथ, बी का ग्रुप वाई के साथ। और सी का ग्रुप किसके साथ दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ। सी का ग्रुप है एक्स के साथ। देखो अगर आप सी को और एक्स को एक साथ बोलें, सी को और एक्स को अगर आप एक साथ बोलें, तो साउंड किसका बन जाएगा, सी एक्स सिक्स, सिक्स याद रख लीजिए आप, एस आई एक्स सिक्स, सी एक्स। और वैसे भी इनको याद रखना तो बहुत आसान है, इसको याद रखना तो बहुत आसान है, शुरू के तीन अक्षर ए बी और सी, शुरू के तीन अक्षर ए बी सी, लास्ट के तीन अक्षर एक्स वाई जेड। तो यहां जो अगर शुरू के तीन ग्रुप की बात करें तो उनको याद रखना बहुत आसान है हमारा, ए का जेड, बी का वाई और सी का एक्स। लेकिन ध्यान देना डी डब्ल्यू से लेके एम एन तक इनको मैं कैसे याद रखता हूं, अब इसकी बात करते हैं हम। देखो डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ, डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ, डी ई डब्ल्यू ड्यू, एक तो आप याद रख सकते हैं डी ई डब्ल्यू ड्यू, डी का ग्रुप किसके साथ बन सकता है, डब्ल्यू के साथ। या मोस्टली जो स्टूडेंट्स को याद होता है या जो मैं बताता हूं, आप एक वर्ड याद कर लो भी, दूध वाला, दूध वाला, डी का ग्रुप किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। तो डी आते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए आप लोगों के, डी आते ही दिमाग में क्या जाना चाहिए, डब्ल्यू आ जाना चाहिए कि डी का ग्रुप किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ। डी डब्ल्यू ई वी, ई वी, देखो ई और वी से मिलकर एक वर्ड हम इजिली बना सकते हैं, इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। क्योंकि इवनिंग के स्टार्टिंग के जो दो लेटर होते हैं, इवनिंग के जो स्टार्टिंग के दो लेटर होते हैं वो ई और वी ही तो होते हैं, तो ई का ग्रुप किसके साथ, वी के साथ बन जाएगा। ई का ग्रुप किसके साथ, वी के साथ, ई वी, इवनिंग। या इसको याद रखने का एक और तरीका, आप ये छोटा सा एक वर्ड याद रख लो, एल ओ वी ई, लव, एल ओ वी और ई, लव। इस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स, अगर कुल अक्षरों की बात की जाए तो कितने हैं, कुल अक्षरों की बात की जाए तो कितने हैं भाई, चार, शुरू के दो एल ओ, लास्ट के दो वी ई, शुरू के दो एल और ओ, लास्ट के दो वी और ई। तो क्या आपको यहां पर एल का ओ के साथ ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, और क्या यहां आपको वी का ई के साथ ही ग्रुप दिखाई दे रहा है? तो क्या मैं एक छोटा सा वर्ड याद रखकर दो ग्रुप कवर कर सकता हूं, एल ओ वी ई, एल का ग्रुप ओ के साथ और वी का ग्रुप ई के साथ। फिर हम पहुंचते हैं एफ यू पे, एफ यू। देखो जैसे सी और एक्स को एक साथ अगर पढ़ते तो साउंड बन रहा था सिक्स का, एफ और यू को एक साथ पढ़े तो साउंड किसका बनेगा, फ्यू, फ्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, एफ यू, फ्यू। तो एफ का ग्रुप किसके साथ, यू के साथ। या फिर आप इसको याद रख सकते हैं, वो है एफ यू फोर्थ अंपायर, फोर्थ अंपायर, फादर, अंकल, कैसे भी याद रख लीजिए, एफ का ग्रुप यू के साथ याद रखना हमें,
एफ का ग्रुप किसके साथ याद रखना है, यू के साथ याद रखना है। तो देखिए किस तरह से याद रखा जा सकता है, फ्यू, मैं फ्यू लिख रहा हूं, फादर अंकल, फोर्थ अंपायर, कुछ भी याद रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीटी बहुत आसान, बचपन से सुनते हैं हम एक नाम जीटी रॉड, जीटी रॉड याद हो सकता है भी आसानी से, जी का ग्रुप टी के साथ तो जीटी रॉड, या फिर इसके लिए अगर आप चाहें तो एक और बना सकते हैं गौरव टावर, गौरव टावर, जयपुर की एक फेमस बिल्डिंग है अभी, जीटी गौरव टावर, यह भी याद रख सकते हैं हम, जी से टी, जीटी रोड या गौरव टावर, कुछ भी याद रख लीजिए। जी का ग्रुप किसके साथ, टी के साथ। फिर आया एच एस, एच एस, एच का ग्रुप किसके साथ, एस के साथ, हाई स्कूल, हरियाणा स्टेट, हायर सेकेंडरी, कुछ भी याद रख लो, सिरसा की धरती से राम राम जी, राम राम सर, राम राम, स्वागत है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी अभी पारिक जी, हायर सेकेंडरी याद रख सकते हैं आप, हाई स्कूल भी याद रख सकते हैं, हरियाणा स्टेट भी याद रख सकते हैं, या एच एस, हनी सिंह भी याद रख सकते हैं आप। एच के साथ हमें क्या चाहिए, एच के साथ हमें एस चाहिए, एच का ग्रुप किसके साथ चाहिए, एस के साथ चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा आई आर, इंडियन रेलवे, आई एन डी आई ए एन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद रख सकता हूं मैं, आई आर, या आई आर का एक और ग्रुप, आई आर का एक और ग्रुप जो आप नाम याद रख सकते हैं इसका, वो है इंडिया राजस्थान, इंडिया राजस्थान, आई आर, इंडियन रेलवे याद रख लो, इंडिया राजस्थान याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जे क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जे का ग्रुप किसके साथ चाहिए हमें, हमें चाहिए जे का ग्रुप क्यू के साथ, जे क्यू, जयपुर क्वीन। नेक्स्ट, या फिर एक काम ये भी कह सकते हैं हम, अगर जे का ग्रुप क्यू के साथ है तो आप एक और भी इसमें ग्रुप बना सकते हैं अगर चाहें, जेब कतरा, जेब कतरा, जे और क्यू, जेब कतरा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जयपुर क्वीन या जेब कतरा, हमें इससे मतलब नहीं है कि हम ट्रिक क्या बना रहे हैं, हमें मतलब यह है कि हमें जब भी कभी ग्रुप की जरूरत पड़े या जब भी कभी हमें ए से जेड तक के अक्षरों की नंबरिंग की बात हो तो हमें ये याद होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा केपी, काफी सारी बन सकते हैं केपी पर, कटी पतंग, काली पहाड़ी, काला पत्थर, कुछ भी याद रख लो भी, केविन पीटरसन, काला पानी, कुछ भी याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केपी, काला पानी लिख रहा हूं मैं, कटी पतंग, काली पहाड़ी, काला पत्थर, केविन पीटरसन, के साथ हमें पी चाहिए, या एक काम और जो मैं कर सकता हूं, के और पी, इसका उल्टा क्या बनेगा भी, पीके, इसका उल्टा क्या बनेगा, पीके, तो पीके भी याद रखना काफी आसान है। लव, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, एल का ग्रुप ओ के साथ, एल का ग्रुप किसके साथ, ओ के साथ, और वी का ग्रुप किसके साथ, वी का ग्रुप ई के साथ, एल ओ, एल का ग्रुप ओ के साथ, वी का ग्रुप ई के साथ। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप दोनों तरफ से पढ़ने आने चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि आपने ये तो याद कर लिया कि डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ है, अगर आपने ये तो याद कर लिया कि डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर डब्ल्यू का ग्रुप आपसे पूछा गया तो डी के साथ है। हमें सीधे ग्रुप तो याद है जी का टी के साथ, हमें यह भी पता हो कि टी का ग्रुप भी जी के साथ होगा, हमें ग्रुप दोनों तरफ से पता होने जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एम एन, लास्ट ग्रुप एम एन, देखो एम और एन को मैं कैसे याद रख सकता हूं, एम एन, मैन, एम एन मैंने क्या लिख दिया, मैन, मैन का जब हम साउंड करते हैं, जब भी मैन का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो साउंड है एम और एन का ही होता है ना, मैन, क्लियर हो गया होगा, तो एम एन मैन लिख सकते हैं, एम एन मोबाइल नंबर लिख लीजिए भाई, एम एन मुखर्जी नगर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एम का ग्रुप किसके साथ, एन के साथ, समझ गए होंगे। और ये तो हो गया कि इसके ग्रुप को हम याद कैसे रखें, ये तो हो गया कि हम इसके ग्रुप को याद कैसे रखें, लेकिन एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, अभी पारिक जी ने भी कमेंट करके भी बताया है और यही बात मैं आपसे करने वाला था कि दोनों का टोटल 27 करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक तरफ से नंबरिंग बढ़ती जा रही है और एक तरफ से नंबरिंग कम होती जा रही है, तो जब कभी इन दोनों अल्फाबेट्स की नंबरिंग का ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनका योग हमेशा ही 27 प्राप्त होता है। देखिए किस तरह से कह रहा हूं मैं आपको, अगर ए की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने नंबर का अक्षर है भाई, ए है पहला पहला अक्षर और जेड है 26वां अक्षर,
ए है पहला पहला अक्षर और जेड है 26वां अक्षर, तो 1+26 यानी कि 27, 1+26 यानी कि 27, दोनों इन लेटर्स की नंबरिंग का योग 27 ही होगा। अब ए से बी पे, सी पे, डी पे जब मैं बढ़ता जाऊंगा तो इनकी नंबरिंग एक एक बढ़ती जाएगी ना, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेकंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 1, 2, 3 इस तरह से इनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। और अगर मैं जेड से बात करूं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो इनकी नंबरिंग एक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब भी कभी हम इनका योग करते हैं, जब भी कभी हम इनका योग करते हैं, तो यहां पर हर दो अक्षरों का योग हमें हमेशा कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। भाई सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें पता होनी जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें पता होनी जरूरी है, ए से जेड तक के 26 अक्षरों की नंबरिंग और ये जो हमारे 13 ग्रुप हैं, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब ये था इस चैप्टर का बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का, और जो आपको बार बार कह रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर, अरुण मीना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, जिस एग्जाम में रीजनिंग होगी, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग होगी, वहां आपको कोडिंग डिकोडिंग का डेफिनेटली, वहां आपको कोडिंग डिकोडिंग का डेफिनेटली प्रश्न दिखाई देगा। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं इसके क्वेश्चंस को, किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं, किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं। अरुण मीना जी कह रहे हैं कि सर पहली क्लास है मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की पहली ही क्लास चल रही है, आज ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ अभी तक यही बताया जा रहा है कि इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें किन किन बातों को जानना जरूरी है। आप इस क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा सर, सब कुछ क्लियर हो पाएगा। अब मैं पहुंच रहा हूं यहां पर कि अगर इसके प्रश्नों की बात करूं, अब अगर मैं इसके प्रश्नों की बात करूं तो किस तरह से इसके प्रश्न दिखाई देते हैं, किस लैंग्वेज के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीनू जांगिड़ जी, राम राम सर, राम राम। वर्मा जी कह रहे हैं, दिवाकर वर्मा जी, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ध्यान देना वर्मा जी, आप इस क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा जहां से क्लास स्टार्ट हुई है, और कंप्लीटली देखिएगा इस क्लास को, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। तो ध्यान दीजिए, अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं इस चैप्टर के प्रश्न, और ये है हमारा सबसे पहला पहला प्रश्न, ये है हमारा सबसे पहला प्रश्न। लैंग्वेज पढ़िएगा, एक निश्चित कोड भाषा में COST एक स्पेलिंग दी गई है, एक निश्चित कोड भाषा में कोस्ट को XLHG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DARE को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज कोस्ट इज रिटन एज XLH and G, देन वट विल बी द कोड ऑफ डेयर और फाइंड द कोड ऑफ डेयर, कुछ इस तरह से, कुछ इसी लैंग्वेज के साथ आपको एग्जाम में ये प्रश्न दिखाई देने वाला है। चलिए पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने आप ये बता पाएंगे मुझे कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो बातें मैंने अभी आपके साथ की थी, क्या ये प्रश्न उनमें से किसी बात पर आधारित है, जो दो कंसेप्ट आपको बताए गए थे, क्या ये इन दोनों में से किसी कंसेप्ट पर आधारित है। इसने C को कोड X कर दिया, O को कोड L कर दिया, S को कोड H कर दिया और T को कोड G कर दिया। अगर आपको याद हो, फ्लैशबैक लेके जाता हूं मैं आपको, इस पर पहुंचिए, C को क्या कर दिया, X कर दिया, मैंने C को क्या यहां पर X लिखा था, ठीक है, इसने O को L कर दिया, थोड़ा दिमाग लगाइए, O को L कर दिया, क्या आपको जब मैंने LOV लव लिख कर दिया था, क्या L का कोड हमने O के साथ ही बनाया था, SH या HS, हनी सिंह याद कीजिएगा, हनी सिंह याद किया था हमने, और TG या GT कह लीजिए, गौरव टावर GT रोड, हमने ये याद किया था, कुछ ऐसा ही किया था। तो ये जो प्रश्न है ये पेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है, पेयर्स पर, या ग्रुप कह लीजिए, पेयर कह लो, ग्रुप कह लो, ये इस पर आधारित क्वेश्चन है हमारे। तो क्या यहां पर पहला पहला प्रश्न आपको कंप्लीटली पेयर का दिखाई दे रहा है, टी का ग्रुप एक्स के साथ होता है, ओ का ग्रुप एल के साथ होता है, एस का ग्रुप एच के साथ होता है और टी का ग्रुप जी के साथ होता है, ये प्रश्न हमारा किस पर बेस्ड है, पेयर्स पर, यानी कि ग्रुप पर आधारित प्रश्न है ये हमारा, या अपोजिट लेटर्स कह लीजिए उन पर आधारित प्रश्न है ये हमारा। आपसे कोड किसका पूछा गया है, DARE, डी ए आर और ई का कोड पूछा गया है,
तो डी का कोड डब्ल्यू के साथ था, डी का कोड डब्ल्यू के साथ था। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो ना, तो ऑप्शंस को जरूर माइंड में रखना, हमेशा ऑप्शन को जरूर माइंड में रखिएगा। कई बार हमें पूरा प्रश्न सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या यूं कह लीजिए कई बार डायरेक्ट आंसर हमारे जो कट जाते हैं कि आंसर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे डी है, डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ होगा, डी का ग्रुप किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। अगर डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ है तो हमारा आंसर डब्ल्यू से प्रारंभ होना चाहिए ना, हमारा आंसर कहां से प्रारंभ होना चाहिए, डब्ल्यू से। डब्ल्यू ना तो यहां है और ना ही यहां पर है, डब्ल्यू ना तो थर्ड ऑप्शन में है ना ही फोर्थ ऑप्शन के स्टार्टिंग में है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। मान लीजिए एक और ऐसा ऑप्शन होता जिसमें डब्ल्यू स्टार्टिंग में नहीं हो रहा होता, तो यह प्रश्न का डायरेक्ट मेरे को आंसर प्राप्त हो जाता। क्लियर हो गया होगा आपको जो बात बताने जा रहा हूं मैं। तो इसके बाद ए के साथ ग्रुप किसका होता है, भी जेड के साथ, ए का ग्रुप जेड के साथ। अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है, क्योंकि W के साथ जेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, W के साथ जेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एंड ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। और कंप्लीट सॉल्व करें तो देखते हैं, R का I के साथ था ना इंडियन रेलवे, और E का V के साथ था, W जेड I और V, W जेड I और V, पता चल गया होगा भी। तो कितने लोगों का सही आंसर था ये, मोना बिजार ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी आपका, ए आएगा निशा वर्मा, दिवाकर वर्मा, हसरत कौर, नवी, नवी क्या करें अभी, करीना कपूर गंगानगर पढ़ावे, अरे भाई पढ़ ले भाई, ध्यान दीजिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं इन पर फोकस कीजिएगा, जो बात आपको बता रहा हूं मैं, प्रश्न डेफिनेटली दिखाई देगा, इस प्रश्न आपको डेफिनेटली दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो इसी पर आधारित हैं, सबसे पहले प्रश्न इसी पर आधारित हैं आपके, जिसमें आपको सारे के सारे जो है कोड दिए गए हैं, प्लस कोड देने के बाद आपको ये कहा गया है कि सेकंड का कोड फाइंड करके दीजिए मेरे को। सेकंड प्रश्न भी कुछ इसी जानकारी पर ही आधारित आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। क्लासीफाई, सी एल ए डबल एस आई एफ वाई, क्लासीफाई, और इसका कोड दे दिया, चेक करो क्या यह भी सेम कंसेप्ट का प्रश्न है, क्या ये ग्रुप पर आधारित है, और अगर ग्रुप पर आधारित नहीं है, और अगर ग्रुप पर आधारित नहीं है तो इसमें क्या कंसेप्ट है भाई, किस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। क्लासिफाई आपको दिया है, मॉडिफाई आपसे पूछा गया है, बताइएगा कीजिए सॉल्व इसको, क्या आंसर हो सकता है। सी का ग्रुप एक्स के साथ, एल का ओ से, ए का जेड, एस का एच, अगेन एस का एच, आई आर, एफ यू और वाई बी। ग्रुप्स को दिमाग में रखिएगा, या यूं कह लीजिए अपोजिट लेटर्स को दिमाग में रखिएगा, बिना कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन प्रश्नों के उत्तर आएंगे, बिना कॉपी पेन प्रश्नों के उत्तर आएंगे। इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो अपोजिट लेटर्स को याद रखने की। सी का अपोजिट एक्स, लेकिन चेक करो क्या पूरे के पूरे प्रश्न में अप्लाई हो रही है। L का ग्रुप O के साथ होता है, A का Z के साथ, S का H के साथ, अगेन S का H के साथ, I R इंडियन रेलवे, F का ग्रुप U के साथ और Y का ग्रुप B के साथ। क्लियर हो गया होगा कि ये प्रश्न हमें पता चल चुका है कि ग्रुप पर आधारित है। हमें मॉडिफाई का पूछा है, M का ग्रुप होता है N के साथ, M का ग्रुप N के साथ। पहले तो आप ये देख लो कि N से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, समझ गए होंगे कैंसिल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें N से प्रारंभ करके देना है। O, O का ग्रुप होता है L के साथ, अब N के साथ L चाहिए, N के साथ L है भी हमारे पास, ठीक है। D, D का ग्रुप क्या होता है भी, W, तो N L के साथ आंसर में क्या चाहिए, W चाहिए। तो क्या मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग की सिर्फ और सिर्फ तीन लेटर्स का सॉल्व करके इसका आंसर दे सकता हूं, एन एल तो इसमें भी था और एन एल इसमें भी था, लेकिन जब मैंने तीसरे अक्षर को सोल्व किया तो डी का ग्रुप डब्ल्यू बनना चाहिए जो यहां नहीं है, तो आंसर किसके साथ जाएंगे, हम फिर से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। और लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है मेरे को, अरुण मीना, करीना कपूर, फिर से अरुण मीना, ये दो ही स्टूडेंट के आंसर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी। रेणु सुथार, ए बिल्कुल सही है मैम, शंकर नायक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मोना बिजारनिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है भाई, कि इसका आंसर क्या कहेंगे हम, ए। और ये प्रश्न भी जो इससे जस्ट पहले प्रश्न करवाया गया था उसी पर ही आधारित है, आपको दिए गए प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लेटर्स का ध्यान में रखना है, हमारे प्रश्न का उत्तर आसानी से आएगा। आइए नेक्स्ट,
एक निश्चित कोड भाषा में कैमल का कोड ये है, तो थर्ड का कोड क्या होगा? डी एक्स ए जेड एम एन ई वी एल ओ, बताइएगा। कैमल का कोड देखिए, टी एच आई आर डी थर्ड का कोड आपसे पूछा गया है, टी एच आई आर डी थर्ड, थर्ड का कोड आपसे ये पूछना चाहता है। सी का एक्स के साथ रिलेशन, सी एक्स याद है, सी एक्स सिक्स ग्रुप याद होगा। तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर? टी एच आई आर डी थर्ड, रेणु सुथार सेकंड ऑप्शन, गणेश राठौड़ सेकंड ऑप्शन, देखते हैं मोना बिजारनिया सेकंड ऑप्शन, मनीष जी भी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। तो देखते हैं कि क्या सेकंड ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न तो पता चल गया भी, अपोजिट लेटर पर बेस्ड है, सारे के सारे विपरीत हमारे को अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो थर्ड टी एच आई आर डी थर्ड, जी टी रोड, जी का ग्रुप टी से, तो टी का ग्रुप जी से आंसर स्टार्ट होगा, जी से। अगर आंसर जी से स्टार्ट होगा तो इसके साथ मैं नहीं जा सकता। एच हनी सिंह एफ आई आर, जी एस आर से मेरा आंसर प्रारंभ होना चाहिए, जी एस आर, जी एस एस दे दिया, जी एस टी दे दिया, जी एस आर कहां रहे? सेकंड ऑप्शन के साथ। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे सॉल्व करके देखें, आर का ग्रुप आई के साथ और डी का ग्रुप डब्ल्यू के साथ, तो बिल्कुल सही है जी। स्टूडेंट्स का मोस्टली आंसर यही आ रहा था, सेकंड ऑप्शन। शंकर नायक, मुकेश चौधरी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। निशा वर्मा, बी होगा बिल्कुल सही आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्पीच देखिए ध्यान से, प्रश्न को पढ़िएगा आप, एक स्पेलिंग दी गई है स्पीच, स्पीच का कोड आपको बनाकर दिया गया है। और एक बात आपने देखी होगी कि यहां कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की खासियत, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की खासियत कि प्रश्न की स्टेटमेंट नहीं बदल रही है, प्रश्न पूछने का तरीका वही चला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिजिट बदल दी गई है, डिजिट बदल दी गई है। और हमारे पास इस प्रश्न को पूछने का तरीका तो बिल्कुल वही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक कोड देगा और उसका कोड बनाकर देगा, एक स्पेलिंग जो देगा, और सेकंड का कोड आपसे पूछा जाएगा, यही सारी लैंग्वेज आपको दिखाई देने वाली है। सेम पैटर्न का प्रश्न है, बिल्कुल सही है हर्षद को मैम, बिल्कुल परफेक्ट, यही पैटर्न है, इसी पर ही आधारित एक प्रश्न है। यहां पर भी हमें किसकी जरूरत है? अपोजिट लेटर्स की। जो बातें आज के साथ हमने डिस्कस की थी आज की क्लास में, उसी पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं हमारे। एस का एच, पी का के, ई का वी, ई का वी, सी का एक्स और एच का एस, बी यू एस टी एल ई, बी, बी का ग्रुप होता है वाई के साथ। चलिए अच्छी बात है, अभी सारे के सारे ऑप्शन वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यू का ग्रुप होता है एफ के साथ, एफ यू, ठीक है। एस का ग्रुप होता है एच के साथ, Y, F और H चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो Y के साथ F और H हैं। आगे बढ़ते हैं हम, T का ग्रुप होता है हमारा G के साथ, GT। तो अब स्टार्टिंग के चार लेटर्स को आप मिलाकर देखिएगा, Y, F, H और G, Y, F, H और J आ गया भाई, चाहिए था G, तो हम क्या कहेंगे? फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। और मोना जी, निशा वर्मा, जसवंत कुमार, अरुण मीना, हसरत कौर, क्लियर है जी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, जो आप कह रहे हैं कि सारे टाइप के क्वेश्चन करवाना। अभी तो मैडम सिर्फ और सिर्फ ये पहली ही क्लास है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की, इसकी दो या तीन क्लास और होंगी, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे कोडिंग डिकोडिंग के सारे कवर करवाए जाएंगे आपको। तो फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर फोर्थ का कोड ये है तो जी यू आई डी गाइड का कोड क्या होगा? फोर्थ का कोड यह है तो गाइड का कोड क्या होगा? देखिए ध्यान से और बताइएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में किस तरह से सोल्व किया जाएगा। गुड इवनिंग मोना जुनेजा जी, काफी लेट ज्वाइन किया क्लास आपने। देखिए जी क्या होने जा रहा है इसमें, F का U के साथ ग्रुप, O का L के साथ ग्रुप, R का I के साथ ग्रुप, P का G के साथ और H का S के साथ। ये प्रश्न भी ग्रुप पर आधारित है, आप कह सकते हैं कि अपोजिट लेटर पर बेस्ड है, अपोजिट लेटर पर बेस्ड है। तो G गाइड, G का T से, U का F से,
आई का आर से, डी का डब्ल्यू से और ई का वी से। टी एफ आर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। टी एफ, देखो आप अगर स्टार्टिंग के सिर्फ दो लेटर को सॉल्व कर लेते ना तब भी आपको आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि टी के साथ एफ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में भी ऐसा कुछ होता है आप ऑप्शंस पे नजर जरूर रखना, ऑप्शंस पे नजर जरूर रखना कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है हमें। ऑप्शन नंबर 3 इज द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रही है। एक निश्चित कोड भाषा में एग्जीक्यूटिव को यह कहा गया है, यहां टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्या यह प्रश्न, क्या यह प्रश्न आपको अपोजिट पेयर्स वाला दिखाई दे रहा है? पेयर्स कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, क्या ये आपको प्रश्न उस पर आधारित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव ई एक्स, देखिए ई एक्स ई सी यू टी आई वी एग्जीक्यूटिव, क्या यहां पर आपको पेयर्स का प्रश्न है? आई, आई का ग्रुप आर के साथ होता है, कहीं आर नहीं है। टी का ग्रुप जी के साथ होता है, कहीं जी नहीं है। एफ, यू का ग्रुप एफ के साथ होता है, कहीं एफ नहीं है। यानी अब यह प्रश्न हमारा ग्रुप का नहीं रहा, अब यह प्रश्न हमारा चेंज हो चुका है। तो अब इस प्रश्न की डिमांड क्या है और ये आपसे क्या चाहता है ध्यान रखना। इनको कहा जाता है, इन प्रश्नों को कहा जाता है इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन। इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन, इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि यहां आपके पास कभी कोई नया अक्षर नहीं आता, यहां आपके पास कभी भी कोई नया अक्षर नहीं आता। जो अक्षरों की स्पेलिंग आपको दी गई है उन्हें की अक्षरों को आपस में बदलकर लिख दिया जाता है, इंटरचेंज करके लिख दिया जाता है, यही कहलाता है इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन। ई एक्स ई ई एक्स ई सी यू टी आई वी ई, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपको एक एग्जीक्यूटिव एक स्पेलिंग दी गई थी, क्या इसके लेटर्स को रिवर्सिंग ऑर्डर में यानी कि उल्टा करके लिख दिया गया है? दीनदयाल पारिक जी, गुड इवनिंग सर, ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूटिव में हमें क्या करना है भी, सारे के सारे अक्षर को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो जो चेंज यहां होगा, जो चेंज यहां होगा, याद रखना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जो लॉजिक हमने पहले पहले वाली स्पेलिंग पर अप्लाई किया है, पहले वाली जो स्पेलिंग दी गई है उसका जो कोड बनाया गया है, जो हमने उस पर अप्लाई किया है, वही हम क्या करेंगे बाद वाले पे अप्लाई करेंगे। एम ए यू एस ओ एल ई यू एम, यानी कि अब यहां पर मैं क्या करूंगा भी, अगर एग्जीक्यूटिव को इसने रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया, सारे के सारे अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो क्या करूंगा मैं, इस स्पेलिंग को भी उल्टा करके लिखूंगा, आंसर कहां से स्टार्ट होगा मेरा? एम यू ई एल, एम यू ई एल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एम यू ई एल, एम यू ई एल, बिल्कुल सही है जी। फिर ओ एस और यू, ओ एस यू, ओ एस यू, बिल्कुल सेम चल रही है स्पेलिंग, ध्यान देना। फिर आया ए और एम, ए और एम, यहां एम और ए दे दिया। तो यहां इसने किया क्या है, एक स्पेलिंग जो आपको दी गई थी उसके अक्षरों को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया गया है। तो बहुत आसान था, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है जी आप लोगों का आंसर, बिल्कुल मोस्टली स्टूडेंट का सेकंड ऑप्शन ही आंसर आ रहा है जो बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसा प्रश्न, ऐसा प्रश्न आप देखना अब रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें काफी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें अपने को, ये एक निश्चित कोड भाषा में ड्रामा, डी आर ए एम ए, डी आर ए एम ए। अब देखो ये प्रश्न करने में मजा बहुत आ रहा होगा क्योंकि दिमाग ही नहीं लग रहा है ना, हम प्रश्न देख रहे हैं और उसका उल्टा किया जा रहा है, प्रश्न का उत्तर आ गया। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, बताऊंगा, बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ऐसे प्रश्न, उसका भी एक एग्जांपल लेके आएंगे आपके सामने, बताया जाएगा कि है तो बहुत आसान प्रश्न, है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी ये प्रश्न कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हम जज नहीं कर पाते कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरह से होगा वो बताया जाएगा आपको। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है, आंसर आएगा टी ई के से, यहां नहीं है, टी ई के यहां नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में है, टी ई के टी आई आर सी, टी आई आर सी, यहीं से आंसर आ गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं रही,
क्योंकि एक प्रश्न का तो एक ही आंसर पॉसिबल है, अगर फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया तो मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं रही हमें। क्लियर हो गया होगा, पता चल गया आपको। आइए नेक्स्ट पे ध्यान देना भाई, रिवर्सिंग ऑर्डर नहीं है, रिवर्सिंग ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। स्पेलिंग है छोटी सी माइंड, MIND माइंड, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते कि रिवर्सिंग ऑर्डर है, रिवर्सिंग ऑर्डर का नहीं है ये प्रश्न। बताइए क्या हो रहा है इसमें, किस पर आधारित है ये प्रश्न हमारा? क्या फर्स्ट और सेकंड लेटर की पोजीशन आपस में बदली गई है? क्या फर्स्ट और सेकंड लेटर की पोजीशन आपस में बदली हुई दिखाई दे रही है आपको? और क्या थर्ड और फोर्थ लेटर की पोजीशन आपको बदली हुई दिखाई दे रही है? यानी कि पेयर्स में सोल्व कर दिया, फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपस में सोल्व कर दिया, थर्ड और फोर्थ लेटर को आपस में सोल्व कर दिया। इस तरह से ध्यान दीजिए, G A M E, तो A G E और M, A G E M, A G E और M। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल परफेक्ट है आपका आंसर सिंह साहब, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन वीरपाल सिद्धू, ये अरुण जी कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन। अरुण जी सेकंड कैसे आया आपका, चेक कीजिएगा, ऑप्शन आएगा इसमें थर्ड, दिवाकर वर्मा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया होगा। नंदलाल चौधरी जी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, निशा वर्मा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मेडिसिन एक स्पेलिंग दी गई है, एनालिसिस का कोड आपसे पूछा गया, मेडिसिन का कोड देकर एनालिसिस का प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या माइंड के जैसा है ये प्रश्न, क्या ये प्रश्न माइंड के जैसा है? अरुण मीना जी कोई बात नहीं भी, गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, गलतियां होनी भी जरूरी है, गलतियां होंगी तो हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये प्रश्न भी माइंड के जैसा है? बिल्कुल है, ई और एम आपस में बदल दिए, आई और डी आपस में बदल दिए, आई और सी आपस में बदल दिए, ई और एन आपस में बदल दिए। आसान बना, ए और एन को लिख दो एन और ए, तो आंसर एन और ए से प्रारंभ होना चाहिए, इसको और इसको करो कैंसिल, ये हो गया सोल्व। ए और एल, एल और ए बनेगा, एन ए एल ए, एन ए एल ए, एन ए एल ए, हो रहा है भाई। वाई और एस बनेगा एस और वाई, एस और वाई, और फिर बनेगा लास्ट में एस और आई, समझ गए होंगे। यहां पर भी ये प्रश्न किसका है, यहां पर भी प्रश्न किसका बन रहा है, भी पेयर्स का बन रहा है। आइए नेक्स्ट पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट प्रश्न भी आज के दिन का। ध्यान दीजिए क्या होने जा रहा है और आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी मेरे को इस प्रश्न का। एक स्पेलिंग है दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर, पेयर्स में दो दो अक्षरों के जोड़े को उठाकर सोल्व किया है, दो दो अक्षरों के जोड़े को उठाकर हल किया गया है। डी और ई को ले गया, ये सी और ई को ले गया, एम और बी को, फिर ई और आर को, तो एन और ओ को लिखिए, एन और ओ को। तो हमारा आंसर कहां से प्रारंभ होगा बताएंगे, लास्ट में एन और ओ चाहिए, सभी ऑप्शन में है एन और ओ। फिर आया वी और ई, वी और ई, फिर आया एम और बी, आया एम और बी, और फिर आया ई और आर, तो आ गया ई और आर। तो ई और आर, एम और बी से प्रारंभ होना चाहिए, ई आर बी एम नहीं, ई आर एम बी, ई आर एम बी इसमें भी है, ई आर एम बी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, ई और आर तो एक में ही है अभी, ई आर एम बी वी ई एन और ओ। तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट आंसर है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न हमारे उसी पर आधारित हैं जो इंटरचेंजिंग के क्वेश्चन है, जिसमें नया अक्षर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उन अक्षरों की पोजीशन को बदलकर लिख दिया जाता है। कल की क्लास में मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा स्टार्टिंग में, जहां हमने बात की थी कि प्रश्न आसान तो बहुत हैं, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाता है जो हम
देखते तो हैं कि बहुत आसान है, लगता है कि आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें गलती कर बैठते हैं। एक ऐसा प्रश्न करवाऊंगा जो इंटरचेंजिंग का आज तक का सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न है, 2 से 3 बार जो यूपीएससी में आ चुका है, 3 बार एसएससी में आ चुका है और 1-2 बार राजस्थान के एग्जाम्स में भी पूछा गया। वहीं से कल क्लास की स्टार्ट करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।